नमस्कार फ्रेंड्स, और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वतंत्र ज्ञान संसार में। देखिए, आज हम एनिमल किंगडम के अंतर्गत जो फाइलम एस्किअल्मेंथीज है उसका यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और तो पिछली वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हमने फाइलम पोरीफेरा, टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा, प्रेटी एल्मेंथीज, इन सभी का डिस्कस कर लिया था। और आज हम फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि अब 10 MCQ में डेली प्रोवाइड करूंगा, जो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में, जिपर में, BHU में, एम्स में और अन्य जो मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं उनमें किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, जो कि आपके नीट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, फाइलम एस्किअल्मेंथीज। तो एस्किअल्मेंथीज की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये इनका जो बॉडी होता है, बॉडी ऑफ एस्किअल्मेंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम इज राउंड बॉम। यानी इनका जो बॉडी होता है जो अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, इसीलिए इनको हम राउंड बॉम बोलते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। आपको याद करना है कि जो एस्किअल्मेंथीज होते हैं उनको राउंड वर्म बोलते हैं, और जो पैलेटी एल्मेंथीज हैं उनको हम फ्लैट वर्म बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट भी होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि फ्री लिविंग भी हैं और ये एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, और एज वेल एज ये पैरासाइटिक भी होते हैं। राउंड बॉम इसमें जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इनमें जो बायलैटरल सिमेट्री होती है, साथ साथ में ट्रिपल ब्लास्टिक और सीडोसीलोमेट होते हैं। यानी कि जो एस्किअल्मेंथीज होते हैं, यानी कि जो एसके एलमेंथीज होते हैं वो सीडोसीलोमेट होते हैं, जो प्लेटी एलमेंथीज हैं वो होते हैं वो एसीलोमेट एनिमल्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीटली विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। यानी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है और उसमें मस्कुलर फेरिंग्स, यानी कि आहार नाल जो होती है वो पूर्ण होती है और जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती हैं। ठीक है, अब उत्सर्जन नाल शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती हैं। यानी कि जो एस्क्रीटरी ट्यूब्स होती हैं जिसे उत्सर्जन नाल बोलते हैं, रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एस्क्रीटरी पोर। यानी कि जो एस्क्रीटरी नाल जो होती हैं वो उत्सर्जन नाल शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र यानी कि एस्क्रीटरी पोर के द्वारा बाहर निकालती हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि डायोसियस होते हैं, मेल्स और फीमेल अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। यानी कि नर और मादा जो होते हैं वो होते हैं, और जो मादा जो होती है वो नर से बड़ी होती है, यानी कि फीमेल होती है, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट होता है, यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि लार्वा यानी कि जो यंग वंस होता है रिजेंबल द एडल्ट, जो यंग वंस होता है वो शिशु जो जो होता है वो वयस्क के समान ही दिखते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, यानी कि इनमें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक निषेचन होता है, जबकि जो इसमें जो यानी कि डेवलपमेंट जो है वो कैसा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और निषेचन जो होता है फर्टिलाइजेशन वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल्स हैं इनके, ये एस्कैरिस है जिसको राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, गोल कृमि, बुचेरिया है, फाइलेरियर वॉर्म फाइलेरियर कृमि बोलते हैं, और एनसाइक्लो स्टोमा उसको अंकुश कृमि बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो फिर एक बार इसको पुनः रिवीजन कर लिया जाए। तो एस के एल्मेंथीज होते हैं सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन एरिया में होते हैं, सर्कुलर होते हैं इसलिए इनको हम राउंड बॉम बोलते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पर, और राउंड बॉम्स इनको जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, सीडोसीलोमेट एनिमल्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीटली विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स जो होता है वो वेल डेवलप होता है, और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है आहार नाल होती है वो विकसित होती है पूर्णतया। ठीक है, यानी कि आहार नाल होती है जो पूर्ण होती है और सुपरवर्धित
पेशी ग्रसनी होती हैं, ठीक है, आर नाल कंप्लीट होती है, एलिमेंट कैनल इज कंप्लीट विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स, ठीक है, एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब्स रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स, ठीक है। तो सेक्स सेपरेट होते हैं, डायोसियस होते हैं, मेल्स एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, तो फीमेल होता है वो मेल से लॉन्गर होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्कैरिस, राउंडवर्म, विचेरिया, फालेरियम और एनसाइक्लोडर्मा हुकवर्म, जिसको अंकुश कृमि बोलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अभी मैं जो 10 MCQ हैं बताया मैंने आपको, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डेली के डेली आपको 10 MCQ मिलेंगे, जो कि पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, जो कि नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए और इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर द फर्दर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।